याको जाति क्या है, उसकी हैसियत क्या है, पशुपालक की। आप क्या अदब होकर कह रही है कि अदब की हैसियत क्या है? क्या हैसियत है जी, एक लालू प्रसाद यादव देश के बिहार के मुख्यमंत्री निकल गए, देश के रेलवे मंत्री निकल गए और कुछ यादव निकल गए, तो सारा यादव की हैसियत उतना हो गया। तो दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि यादवों की हैसियत ही क्या है, तो मैं इस अनीता नाम की कुतिया से ये बता देना चाहता हूँ कि जो तू इतना भौंक रही है यादवों के बारे में, वो सिर्फ इसीलिए भौंक रही है क्योंकि तेरे नाम के पीछे यादव लगा हुआ है। अगर तू किसी और जाति की होती और तेरे नाम के पीछे यादव नहीं लगा होता तब तुझे यादवों की हैसियत अच्छे से मालूम चल जाती। तेरे नाम के पीछे यादव लगा है इसीलिए अभी तक तेरा किसी ने विरोध नहीं किया है और इसी से मालूम चलती है कि यादवों की हैसियत क्या है। तो दोस्तों इसका नाम है अनीता यादव, ये बिहार की रहने वाली है और ये इस वीडियो के अंदर यादवों को नीचा दिखाने वाली बात कर रही है। ये बताने की कोशिश कर रही है कि यादवों की तो कोई हैसियत है ही नहीं और पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, रेल मंत्री बने, उसके बाद यादवों की हैसियत थोड़ी बहुत बढ़ गई है। ये उसी दलित विचारधारा वाली मानसिकता से प्रेरित है जो यादवों को शूद्र बनाने का काम करना चाहते हैं और उसी दलित विचारधारा का वोट लेने के लिए ये किसी का भी बिस्तर गर्म करने के लिए दो कौड़ी की बात अपने मुंह से करने लगती हैं। इस कुतिया को दोस्तों अपना इतिहास ही नहीं पता है और पता भी है तो जानबूझकर ये इस तरह की बात बोल रही है जिससे कि राजनीति में दलित विचारधारा के लोग इसका समर्थन कर दें और सोशल मीडिया पर जो दलित विचारधारा के लोग हैं उनके दो चार लाइक्स मिल जाएं। लेकिन राजनीति में हमने देखा है चाहे कितनी भी चाटुकारिता इस तरह के लोग दलित विचारधारा के लोगों का कर लें लेकिन राजनीति में वो लोग इन्हें वोट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस बात का जवाब देना चाहता हूँ जिसमें ये बोल रही है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, रेल मंत्री बने, उसके बाद से यादवों की हैसियत बिहार के अंदर बढ़ी है। मैं ये बात मानता हूँ कि बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, एक बड़े नेता बनकर उभरे, उसके बाद से बिहार के अंदर यादवों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने लगा। लेकिन मैं इस बात के एकदम विरोध में हूँ कि किसी पार्टी का केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही बढ़ जाता है, इसी बात से उस जाति की हैसियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी देश के अंदर अनगिनत ऐसी जातियां हैं जिनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है, तो क्या उन जातियों की कोई हैसियत नहीं है? और जहां तक यादव जाति की बात है, हमारा इतिहास तो पौराणिक काल से लेकर वर्तमान काल तक और मध्यकालीन तक हमेशा से रहा है। इस प्रकार की बातें करके क्या ये यादवों को जगाना चाहती है या फिर यादवों के अंदर हीन भावना पैदा करने की कोशिश कर रही है? इसके अलावा मैं इसको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिहार में लालू प्रसाद यादव से पहले कई यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे कि दरोगा प्रसाद राय, बीपी मंडल, जयपाल सिंह यादव, इसके बाद उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से पहले राम नरेश यादव, आज़ाद भारत के दिल्ली के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश यादव, ये सभी लालू और मुलायम से पहले यादव मुख्यमंत्री बड़े बड़े राज्यों के रह चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं लालू और मुलायम जी की जो योगदान रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनके आने के बाद जो यादवों का राजनीति के अंदर वर्चस्व बढ़ा है, राजनीतिक पहचान उनको मिली है, वो उससे पहले कभी भी नहीं मिली थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह दें कि इनसे पहले यादवों की कोई हैसियत नहीं थी, कोई इन्हें जानता नहीं था। आज की डेट के अंदर तमाम दूसरी जातियां हैं जो यादव बनना चाहती हैं, जो यादव सरनेम लगाती हैं और अपने आप को यदुवंशी कहने पर गौरवान्वित महसूस करती हैं, लेकिन इस तरह के लोग हमारे समाज के अंदर हैं जो दलित विचारधारा से प्रेरित हैं और दलितों का वोट लेने के लिए अपने ही समाज को नीचा दिखाने का काम करते हैं, अपने ही समाज के अंदर हीन भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए कि राजनीति के अंदर दलित विचारधारा के लोग इन्हें चंद वोट दे दें। हालांकि ऐसा होता भी नहीं है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा समाजवादी पार्टी को दलितों ने बिल्कुल भी वोट नहीं किया, उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया जिनका वो हमेशा विरोध करते रहते हैं, दिन रात ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद चिल्लाते हैं और उन्हीं बीजेपी यानी ब्राह्मणवादी पार्टी को वोट करके आ जाते हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है
कि इन लोगों को इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें 5 किलो राशन दो, तेल दो, नमक दो, रिफाइंड दो और अपना वोट ले लो। बिहार में लालू प्रसाद यादव से पहले यादवों की कई हजार जमींदारियां हुआ करती थी। सिर्फ बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो अपना पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों के यादवों की जो आर्थिक स्थिति थी वो पहले से ही मजबूत हुआ करती थी और इन क्षेत्रों में यादवों की कई जमींदारियां भी हुआ करती थी। तो सिर्फ बिहार में और पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में यादवों की अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सामाजिक स्थिति कमज़ोर थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे देश के यादवों को एक ही रंग में आप पेंट कर दें। बीपी मंडल जो ओबीसी लेकर आए थे, मंडल आयोग लेकर आए थे, वो भी यादव समाज से ही संबंध रखते थे। तो इस मामले के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दलितों के वोट चाहिए तो बेशक तुम लो, लेकिन अपने समाज को नीचा दिखाने का काम बिल्कुल भी मत करो। और ये कहना कि लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव से पहले यादवों की कोई हैसियत ही नहीं थी, ये सरासर गलत है। ये बात और है, लालू मुलायम के वजह से यादवों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, पहचान मिली है राजनीतिक तौर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले यादवों की कोई हैसियत ही नहीं थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपसे मुलाकात करता हूँ मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।